एसबीएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अचानक भरभराकर मकान गिरने से मची भगदड़, बुजुर्ग दंपति समेत 3 घायल। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र की लोको कॉलोनी में शुक्रवार रात करीब 8 बजे एक मकान अचानक भरभराकर जमींदोज हो गया। मलबे में दबकर वृद्ध दंपति और उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मलबा गिरने की वजह से पास के लोगों में अचानक भगदड़ मच गई। जिंद निवासी महिला से दुष्कर्म के आरोप में निरीक्षक गिरफ्तार। 3 माह पहले हुई थी दोनों की जान पहचान। जिंद की महिला से दुष्कर्म के मामले में जिंद पुलिस की ओर से शनिवार सुबह निरीक्षक दलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद ही पुलिस आयोग को आदेश पर आरोपी निरीक्षक का सदर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकला। देश में ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद राजधानी में शुक्रवार को 3 तलाक का पहला मामला दर्ज किया गया। बाड़ा हिंदू राव इलाके में 30 वर्षीय महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देकर घर से निकलने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि तलाक देने के बाद उसके भाई के व्हाट्सएप नंबर पर तलाक हो जाने का फतवा भेज दिया गया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।